हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिंगर लिकिंग रेसिपीज। आज मैं बनाने जा रही हूँ गवार की सब्जी यानी क्लस्टर बीन्स की। ये एक सीजनल वेज है, इसे बहुत सारे तरह से हम बनाते हैं। आज जो मैं बना रही हूँ वो थोड़ा डिफरेंट स्टाइल है। चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक पैन ले रही हूँ। मैंने यहाँ पे कुकर लिया है, प्रेशर पैन लिया है मैंने यहाँ पे। उसके अंदर तेल डाल दीजिए, 3 बड़े चम्मच आपको इसमें तेल डालने। इस सब्जी में थोड़ा सा प्लस में तेल डलेगा। 3 चम्मच तेल डालने के बाद आप इसके अंदर थोड़ा सा जीरा डाल दीजिए और बहुत थोड़ी सी यानी 1/4 चम्मच के करीब राई भी डाल दें। इनको अच्छे से गर्म होने दें और अच्छे से पकने दीजिए। जब आपका राई और जीरा पक जाए तब हम इसके अंदर डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज। यहाँ मैंने 2 प्याज लिए हैं जिन्हें मैंने बारीक काटा है। अब आप इन्हें अच्छे से भुनने दीजिए। थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर आएगा तब तक हम अपने प्याज को भुनने देंगे। जब तक हम प्याज भून रहे हैं तब तक हम इसके लिए थोड़ा सा मसाला भी प्रिपेयर कर लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ मैं ले रही हूँ एक ब्लेंडिंग जार। उसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा तिल। यहाँ मैं डाल रही हूँ 1.5 चम्मच के करीब तेल डाल रही हूँ। इस ग्रेवी को रिच बनाने के लिए और एक टेक्सचर देने के लिए यहाँ तिल का यूज होगा। 5 से 6 लहसुन की कलियाँ डाल दें आप। इसी के साथ आप 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल दीजिए। यहाँ पे 1/4 चम्मच के करीब आप हल्दी और 1/2 चम्मच के करीब धनिया पाउडर डाल दें। इन सभी को डालने के बाद अब आप इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी भुजिया। मैं यहाँ 2 चम्मच भुजिया ले रही हूँ। आपके पास जो भी नमकीन अवेलेबल हो घर में, हमें इसे एक बेस देना है इसलिए हम ये भुजिया डाल रहे हैं। स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए और 4 चम्मच के करीब आप इसमें भुनी हुई मूंगफली डाल दें। अगर आपके पास भुनी हुई मूंगफली ना हो तो आप कच्ची मूंगफली भी डाल सकते हैं और इसको अच्छे से पीस लें। थोड़ा दरदरा सा हमें ये बेस बनाना है, जिस तरह से कोई पाउडर होता है उस तरह का हम ये बेस बनाएंगे। अब इसी मिक्सिंग जार में मैं 2 टमाटर और 1 हरी मिर्च को भी पीस रही हूँ। ये सारी तैयारी हम अपनी ग्रेवी के लिए कर रहे हैं। यहाँ मैंने गवारफली को काट के रख लिया है। इसका टॉप और टेल हिस्सा आप काट दीजिए और नरम नरम गवारफली को काट के रख लें। अच्छे से धोने के बाद आप इसे काट लें, बहुत कड़क आपकी गवारफली ना हो। यहाँ हमारा प्याज हल्का सा भुन चुका है तो अब हम इसके अंदर अपना पिसा हुआ ड्राई मसाला डालेंगे। ये जो ड्राई मसाला है इससे हमारा जो ग्रेवी का बेस बनेगा वो बहुत अच्छा बनेगा। अगर आपके पास मूंगफली ना हो या कोई नमकीन ना हो तो आप भुना हुआ 2 चम्मच बेसन डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। यहाँ मैंने जो भुजिया डाली है उसका भी रीज़न यही है कि वो भुना हुआ बेसन है, तला हुआ बेसन है तो ग्रेवी को एक अच्छा बेस देगा, टेक्सचर देगा। 2 से 4 मिनट प्याज के साथ सारे मसाले को अच्छे से भून लीजिए। जब ऑयल आने लग जाए तब आप यहाँ पे टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दीजिए। अब आपको टमाटर को अच्छे से पकाना है। गैस की फ्लेम को लो कर दें। 4 से 5 मिनट लगेंगे टमाटर को अच्छे से कुक होने में। हमने सारे मसाले इसमें डाल चुके हैं तो अब हमें ज़्यादा मसाले नहीं डालने हैं। अगर आपको लगे आपका मसाला बॉटम में चिपक रहा है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। अब आप स्लो फ्लेम पे इसको कुक होने दीजिए। जितनी देर ये स्लो फ्लेम पे कुक होगा उतना ज़्यादा आपका मसाला बहुत टेस्टी होता जाएगा। धीरे धीरे जो बेसन का स्वाद है, तिल का स्वाद है, सब कुछ पकता जाएगा और तेल निकलने लगेगा। जब आपको लगे कि आपकी ग्रेवी में तेल बाहर आने लगा है, टमाटर अच्छे से पक चुका है, ग्रेवी जब आपकी 100% रेडी हो तब आप इसके अंदर अपने क्लस्टर बीन्स यानी गवारफली को आप डाल सकते हैं। यहाँ पे अगर आपकी गवारफली बहुत ज़्यादा लंबी हो तो आप उसे थोड़ा छोटा काट सकते हैं। मैंने बिल्कुल मीडियम साइज़ की ली है इसलिए मैंने इसको छोटा कट नहीं किया है। अब आप अच्छे से मिक्स करने के बाद 1 से 2 मिनट इसे ऐसे ही चलाइए और उसके बाद आपको कितनी ग्रेवी चाहिए इसके अंदर आप उतना पानी डाल लें। लगभग 1 से 1.5 कटोरी आप इसके अंदर पानी डाल सकते हैं और उतनी ग्रेवी आपके लिए सफिशेंट हो जाएगी। यहाँ मैंने जो क्लस्टर बीन लिए थे वो 250 ग्राम लिए थे। यहाँ मैं 1 पिंच के करीब गरम मसाला डाल रही हूँ। थोड़ा सा ग्रेवी को एडजस्ट कर लें अपने खाने के अकॉर्डिंग और अब आप कुकर की लिड लगा दें। कुकर की लिड लगाने के बाद आपको मीडियम फ्लेम पे 2 विसल लेनी है। जब 2 विसल आ जाएंगी उसके बाद आप गैस की फ्लेम को ऑफ कर दें और जब कुकर का सारा प्रेशर रिलीज हो जाए तब आप अपने कुकर को खोल दीजिए।
देखिए, अब आप देखिए हमारी जो ग्रेवी है वो कितनी अच्छी बनी है। गंवार फली की सब्जी यूजुअली लोग इग्नोर करते हैं, खाते नहीं हैं और इसे गंवार ही बताते हैं। तो आप इस स्टाइल में अगर इस गंवार फली की सब्जी को बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। गंवार फली की सब्जी हमारी बनके तैयार है, बहुत रिच ग्रेवी में बनी है। इजी स्टेप्स में ये सब्जी बनके तैयार हो जाती है। आप अभी तक जो भी गंवार फली की सब्जी खा रहे थे वो ट्रेडिशनल स्टाइल था, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप अपने गेस्ट के सामने भी इसे रखेंगे तो उनको भी ये सब्जी बहुत अच्छी लगेगी। तो अपने घर में एक बार इस तरह की गंवार फली की सब्जी बना के देखिए। क्लस्टर बीन सीजनल वेज है, पूरे साल आपको मिलते नहीं हैं, तो जब आपके पास अवेलेबल हैं तो आप इसे डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में ज़रूर ट्राई करें। आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपने फीडबैक्स को फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर बताएं। फॉर मोर इंटरेस्टिंग रेसिपीज यू कैन चेक माई प्लेलिस्ट। थैंक यू।